हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स देखिए, मैं गोमती नगर विनयखंड 4 की एक नर्सरी में आई हूँ। कितने सुंदर जो है, देखिए इनके यहाँ गुलदाउदी खिले हुए हैं। तो जो आज का वीडियो है वो और थोड़े वीडियोस से डिफरेंट होने वाला है। मेरे मन में जो है एक उत्सुकता ये रहती है कि जब हम लोग घर में गुलदाउदी वगैरह उगाते हैं तो उनके पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं काफ़ी, तब उनमें फूल आता है। पर ये देखिए, ये कितना छोटा सा पौधा है, गमले में लगा हुआ है। ये देखिए, मुश्किल से ये 1.5 इंच का पौधा होगा और इसमें कितने बड़े गुलदाउदी जो हैं वो लगे हुए हैं। अब ज़्यादातर जो है वो इसमें तेज़ खादें डाली जाती हैं, इतनी तेज़ केमिकल वाली कि ये छोटे ही पौधे अपने समय से पहले ही जो है वो फूल देने लगते हैं, जो कि जो है वो उचित नहीं है। और इसकी मिट्टी भी जो है वो ज़्यादा अच्छी जो है फर्टाइल नहीं रहती है। बाद में ये फूल आप खूबसूरती देख के अपने बाग में तो लगा लेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि जब ये फूल सूख जाएंगे उसके बाद, क्योंकि इसकी मिट्टी ख़राब होती है तो उसमें फूल आने में दिक्कत होती है। तो वो जो तेज़ खादें डालते हैं, देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने बात की तो ये यहाँ पर नर्सरी वाले बता रहे हैं कि कौन सी खादें ऐसी हैं जो इतने तेज़ केमिकल डाल के और ये फूल जो हैं वो समय से पहले ही पौधे फूल देने लगते हैं। जैसे कि आजकल जो है वो सब्जियों की बेलों में भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उससे जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल पार करते हैं। तो ऑर्गेनिकली ये ग्रो करे हुए नहीं हैं, क्योंकि ये पौधे जो हैं ये देखिए बहुत छोटे छोटे हैं। कितने छोटे पौधे हैं ये देखिए, कितने छोटे पौधे हैं और इनमें फूल आ रहा है ये देखिए। तो आज जो है इन भैया जी से जान लेते हैं कि कौन सी खाद है ऐसी जो कि मिट्टी में इतनी ज़्यादा डाल दी जाती है कि समय से पहले ही पौधे जो है फूल देने लगते हैं और ये पौधों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो आप छोटे छोटे पौधे घर में लाइए, उनमें खुद पूरा ग्रो करके, और फूल जब वो पूरा ग्रो हो जाए प्लांट तब उसमें फ्लावर्स आए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स आइए देखिए, ये नर्सरी पे रहते हैं भैया जी, तो इनसे हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि ये आखिर जो इतने छोटी छोटी पौधों में ये जो फूल आ रहे हैं ये किस तरीके से आ रहे हैं। तो बताइए आप तो नर्सरी पे रहते हैं, देखिए बहुत छोटा पौधा है और ये अभी से फूल देने लगा है। तो इसमें आप लोग कुछ तेज़ केमिकल वाली खादें डालते हैं, क्या डालते हैं जो समय से पहले ही इसमें फ्लावर्स आने लगते हैं, कुछ बताइए। होता ये है कि हम पौधे लगा देते हैं, उसमें हम सही से ना पानी दे, मतलब टाइम से ना पानी दे पाते हैं ना खाद दे पाते हैं, उसकी हमें जानकारी होना ज़रूरी है। तो पौधे लगाते टाइम हमें जो है परलाइट यूज करना चाहिए, वो नमी को होल्ड करके रखता है। उसके साथ पौधे बढ़ तो जाते हैं बट फ्लावर नहीं आते। उसका रीज़न होता है कि कैल्शियम की कमी होती है पौधों में। तो कैल्शियम की कमी पूरी होती है कि बोन मील, उसको बोन मील्स अधिक मात्रा में दें या फिर एनिमील एक आता है उसको यूज करेंगे, तो उससे पौधों में जल्दी फूल आएगा। और अगर जैसे फल वाले पौधे हैं तो उसमें फल रुक नहीं रहा है तो उसकी कमी वो पूरा करता है और उसमें फल रुकने लगते हैं। तो ये होता है नहीं, तो ये जैसे कि हम जो अपने घर में उगाते हैं वो गुलदावरी के पौधे ऊंचे ऊंचे होके तब फूल देते हैं, तो इसमें क्या केमिकल यूज़ करते हैं कोई आप लोग, तेज़ केमिकल? केमिकल नहीं, बस यही हमें जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है। पौधे में हम खाद डाल देते हैं तो वो बढ़ तो जाते हैं बट फ्लावर नहीं आता, तो उसको हमें टाइम टाइम से जो है 10-10 दिन का गैप करके हमें एनिमील या फिर बोन मील अधिक मात्रा में डालते रहना है। तो इतने छोटे पौधे में फूल आ जाएगा? हाँ, फूल आ जाएगा। तो इससे मिट्टी तो बर्बाद नहीं होती है? नहीं नहीं, मिट्टी खराब नहीं होगी। अच्छा, और अच्छा हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है भैया जी। तो अब एक तुम्हारा समी का पेड़ मार दे रहे हैं बस। तो ये हमें पता लगा कि इतने छोटे पौधों में किस प्रकार से फूल आ जाते हैं। जैसे कि आजकल जो है वो सभी चीजों में को उपजाऊ बनाया जा रहा है, तेज खादे इंजेक्शन इन सब का इस्तेमाल करके, कि समय से पहले ही जो है गाय वो भैंस है वो ज़्यादा दूध देने लगती है और फल फूल ये होते हैं आपकी सब्जियां होती हैं इनमें इंजेक्शन लगाओ तो वो ज़्यादा वेजिटेबल्स देने लगती हैं, इसी तरीके से। लेकिन ये नर्सरी वाले स्पष्ट रूप से बताना नहीं चाहते कि क्या चीज़ ये ऐसी डालते हैं जो इतने छोटे पौधों में फूल आने लगते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ आजमाई है कि मैं अपने घर जब अगर इन पौधों को ले जाऊँ तो ये थोड़े दिन तो लगे हुए सुंदर लगते हैं, लेकिन जब ये मुरझा जाते हैं उसके बाद इसमें ना तो ये बढ़ते हैं और ना ही कुछ आता है। उसकी वजह होती है
इसमें इतना केमिकल पड़ा होता है कि इसकी जो सॉइल है वो स्पॉइल हो जाती है। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग जो हैं वो बिना खिले छोटे छोटे पौधे नर्सरी से लाइए, उन्हें ग्रो करिए, उन्हें धीमी और हल्की खाद दीजिए जिससे वो अपनी पूरी ग्रोथ करें और तब उसके अंदर फ्लावर आए, ना कि ये खूबसूरती देख के छोटे पौधों को परचेज करें। तो अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।